मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि आज की सुनवाई में भी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पोषणीयता पर बहस की जा रही थी वो पूरी नहीं हो सकी। मंदिर मस्जिद विवाद के साथ साथ कृष्णकूप में पूजा की इजाज़त दिए जाने की मांग पर भी आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस केस से जुड़े हुए कई अधिवक्ता मौजूद हैं, पक्षकार मौजूद हैं। महन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है और जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में हमने विशेष रूप से आज माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि कृष्णकूप की पूजा का हमको अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से हम पूजा वहाँ करते रहे। सामान्य रूप से वहाँ पूजा होती रही है और जो कूप है वो ईदगाह की सीढ़ियों पर बना हुआ है। तो वो ईदगाह, क्योंकि ईदगाह नहीं थी, वो भगवान का मंदिर था, इसलिए वहाँ कृष्णकूप है। तो भगवान बजनाव के परपौत्र के द्वारा उस मंदिर का उसका कूप का निर्माण किया गया था। उसके जल से ही भगवान कृष्ण के विग्रह का जलाभिषेक भी होता था। लेकिन आज जानकर के मुस्लिम पक्ष के जो शाहिद का पक्ष के लोग हैं वो चाहते हैं वहाँ हम लोग पूजा न कर पाए, तो इसको लेकर के वो बार बार हिंडेंस पैदा करते हैं। 2022 में पुलिस की अवरक्षा में पूजा हुई, 2023 में पुलिस की अवरक्षा में पूजा हुई और आज जो पूजा हुई है वो भी पुलिस की अवरक्षा में हुई है। तो हम चाहते हैं प्रशासन की आवश्यकता ना पड़े, जैसे सामान्य रूप से हम पूजा हमारे पूर्वज करते रहे ऐसे पूजा हम करें, इसी को लेकर के हमारी विशेष रूप से। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कुछ साक्ष्य भी पिछली सुनवाई पर भी सौंपे गए थे, आज भी दलील पेश की गई और मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति दाखिल की इस पर? देखिए, हमारा शुरू से ये कहना रहा है कि वो मंदिर है और मंदिर होने के कारण वहाँ के साक्ष्य सब हिंदू पक्ष में हैं। तो हमने फोटोग्राफ भी दाखिल किए थे, वीडियोग्राफी भी दाखिल की थी। तो उनका कहना है कि साहब हमको वीडियो जो वो उसकी जो सीडी दी गई है वो प्रॉपर नहीं दी गई है, हमको जो साक्ष्य हमने बताए वो साक्ष्य वहाँ के नहीं है। एक उन्होंने अनगर ला करके अनावश्यक रूप से ला करके अखबार की दूसरी कटिंग दाखिल कर दी जो कि वहाँ की नहीं थी, तो वहाँ की अखबार की कटिंग ही नहीं थी। हमने प्रॉपर रूप से उनको सबको क्लैरिफाई किया कि ये अखबार की कटिंग वहाँ की नहीं है, किसी अन्य स्थान की है, क्योंकि पूजा वहाँ आज होनी है और कल होनी है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई किसी तरह की पूजा हम लोग करने ना जाए, ये शुरू से ही इस उद्देश्य में रहते हैं, इसलिए हिंडेंस पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, इसीलिए आपत्ति दाखिल की जा रही है। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम 1.5 दर्जन मुकदमे हैं उनकी पोषणीयता को भी लेकर के लगातार बहस चल रही है, पोषणीयता के मामले में आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किसकी तरफ से दलीलें पेश की गई और अब क्या क्या पार्ट बचा हुआ है? पोषणीयता के संदर्भ में जो है आर्डर 7 रूल 11 के संदर्भ में जो है तहसीन जी काउंसिल ने जो है अपना पक्ष रखा और पक्ष करते हुए जो है सूट नंबर 4/18 और इस तरह से तमाम सूटों के संदर्भ में जो है अपने अभिमत व्यक्त किए, परंतु जो है उनके आर्गुमेंट जो है पूर्व की पुनरावृत्ति से संबंधित ही रहे हैं, जैसे कि कब्जा और सुलहनामा के बेसिस पर जो है मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए गए। मतलब जो दलीलें पहले दी गई थी मुस्लिम साइड ने आज भी उन्हीं दलीलों को जारी रखा। हाँ, और मुख्य रूप से उनका ध्येय यही है इस वाद को किसी तरह से डिले डिलाइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हुए जो है आगे जो है हम बढ़ें और उसको विलंबित किया जाए। लेकिन जो है हम लोगों के तरफ से भी जो है आज आक्रामक बहस की गई कि पूजा में जो है किसी तरह का व्यवधान या अड़चन न हो। अच्छा, पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही थी वो मुस्लिम पक्ष की दलीलें आज पूरी हो पाई या आज भी पूरी नहीं हो पाई? अभी अधूरी है, चूँकि जो है अभी कुछ उनकी जब तक बहस उनके पूर्ण नहीं होंगे तब तक जो है हिंदू पक्ष के तर्क जो है बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत नहीं हो सकते, इसलिए तिथि जो है इसमें अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। आप ये बताइए महेंद्र जी कि हिंदू पक्ष ने भी तैयारियां पूरी कर ली होंगी कि जब मुस्लिम पक्ष की दलीलें ख़त्म होंगी तो आप लोग भी उनका पुरजोर विरोध जो दलीलें की गई उसका करेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो शाही ईदगाह पक्ष के लोग हैं वो ये इसको केस को लंबा खींचना चाहते हैं। आज तक किसी भी कोर्ट में वो सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए, अभी उनको 17 नंबर पर बहस कंप्लीट करनी है और एक केस और है उस पर बहस कंप्लीट करनी है। वो तस्नीम जो अहमदी हैं या अन्य एडवोकेट्स हैं उनके, वो ये चाहते हैं कि ये केस इस तरह से लंबा किस तरह ऐसी प्रचार साहब चाहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि वो डॉक्यूमेंट कोई दाखिल क्यों नहीं करते। प्लेसेस ऑफ बर्थ स्पेक्ट को लेकर के आज माननीय न्यायालय ने हमारा भी अभिमत जाना हिंदू पक्षों का, तो हमने क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ बर्थ स्पेक्ट एक्ट अप्लाई नहीं करता है, स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई नहीं करता है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ही नहीं करता है, तो पजेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है हमने। लेकिन हम उनकी तरफ से जो 4 प्रमुख दलीलें दी गई थी उनको आप लोग नकार रहे हैं? नकार 100%। आज हम न्यायालय ने जब हमारा इसके बारे में वर्जन लिया तो हमने बताया, माननीय न्यायालय को अनुरोध किया कि ये एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करते
और ना वक्फ एक्ट अप्लाई करता है। और डिटेल रूप से हम बहस करेंगे वो शाही ईदगाह पक्ष की बहस कंप्लीट होने के बाद। तो वो जान करके एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये केस किसी तरह से बिल्कुल। केस से जुड़े हुए पक्षकार भी हमारे साथ हैं, बताइए क्या उम्मीद लगा रखी है आप लोगों ने, क्या उम्मीद है कि कोर्ट से किस तरीके का फैसला आएगा और आप लोग किस तरीके से फिर अयोध्या के बाद और काशी के बाद मथुरा में भी आप लोग जश्न मनाएंगे? राधे राधे। अच्छा आज का नहीं, मतलब आप भविष्य के पूछ रहे हैं तो 100% हम लोग जीतेंगे जीतेंगे, उसमें तो कोई गति नहीं है। अयोध्या से भव्य और दिव्य मंदिर और ज़्यादा अच्छा बनेगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप भी पक्षकार हैं? हाँ सहयोगी हूँ मैं। राधे राधे। अच्छा तो ये इस केस से जुड़े हुए वकील और पक्षकार हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज की सुनवाई में भी काफ़ी देर तक बहस हुई, याचिकाओं की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष ने तमाम दलीलें पेश की, हालांकि मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो अभी ख़त्म नहीं हो पाई हैं, अगली सुनवाई पर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी और जब उसकी बहस ख़त्म होगी तो फिर हिंदू पक्ष उन दलीलों का जवाब पेश करेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।